दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में। आज आप वृषभ राशि के जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक ऐसा उपाय, महा उपाय जिसको आप कह सकते हैं, आज उसकी चर्चा हम इसके कार्यक्रम में आज करने वाले हैं। और विशेषकर मैं इसको महा उपाय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं और कई प्रकार के उसके निदान भी हैं। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग उपायों को अगर हम करते हैं तो कई बार उसमें हमारा समय और हमारा धन दोनों ही बहुत मात्रा में उसमें लगता है और कई बार उसके रिजल्ट उतने नहीं मिलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप दीर्घ काल तक कर सकते हैं और उसका बहुत कई रूप से आपको उसके परिणाम मिलेगा, कई चीजों में उसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आज की सार्थक चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं, इससे पहले निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए। अध्यात्म ज्योतिष तमाम वास्तु की जो लगातार चर्चाएं हम करते हैं उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए राशिफल के कार्यक्रम आप तमाम देखते हैं, चाहे वो डेली राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, साप्ताहिक हो, अलग अलग रूप से साप्ताहिक जो राशिफल कार्यक्रम है वो आप देखते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज है, मान लो वृषभ राशि आपकी भी है लेकिन न जाने कितने लोगों की वृषभ राशि है, फिर ऐसी स्थिति में जब हम वृषभ राशि के फलादेश की बात करते हो तब वो राशिफल आप पर कितना घटित बैठता है, कितने परसेंट वो सत्य बैठता है, ये आप हर बार उसको देखते हो। हालांकि यहां पर एक चीज हम भूल जाते हैं कि जब हम राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, चाहे वो ग्रह गोचर परिवर्तन की बात हो या फिर डेली राशिफल की हम बात करें, इसका आधार खासकर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से होता है कि जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपकी किस स्थिति में है और गोचर के ग्रह आप पर कितना प्रभाव किस रूप में देंगे, इसी रूप में हम इस राशिफल को भी देखेंगे। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो इससे हटके है। हटके कैसे है? क्योंकि आज मैं जो आपको राशिफल तो नहीं, मैं राशि के अकॉर्डिंग आपको महा उपाय की जो बात करने वाला हूं उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक राशि जैसे मैंने कहा बहुत लोगों की हो सकती है, हो सकता है एक वृषभ राशि का जातक उसी कंपनी में चीफ हो सकता है एक वृषभ राशि का जातक उस कंपनी के अंदर फोर्थ कैटेगरी में अपनी सर्विस दे रहा हो, तो दोनों के लिए ये राशिफल एक जैसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जन्मकालिक ग्रहों को भी उसमें देखना हमें परमावश्यक हो जाएगा। इस बात को तो आप समझ चुके हो। अब हम यहां पर थोड़ा चर्चा करेंगे उस उपाय की, जिस उपाय महा उपाय की आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर होता क्या है, हम लोग उपायों की जब बात आती है तो हमें लगता है कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए, उंगली घुमाया और आपका काम हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और आपको तत्काल में कुछ इस तरह का उपाय मिल जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप समय समय पर उस उपाय को करते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो जीवन में आने वाली कई प्रकार की समस्याएं स्वतः ही खत्म हो सकती है, स्वतः ही उसका निदान हो सकता है और आपको एक विशेष रूप में एक फल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके जन्म कुंडली में कुछ भी ग्रह कैसे भी बैठे हों वो मैटर नहीं करता है यहां पर इस उपाय के लिए। हो सकता है उनके बहुत सारे ग्रह कुछ अच्छे भी हो, कुछ खराब भी हो, बहुत सारी दशाएं अच्छी भी चलती हैं, कुछ प्रतिकूल भी होती हैं। यहां पर जिस उपाय की मैं बात कर रहा हूं वो आपको हमेशा से करना है और आप इसके सकारात्मक जो परिणाम है वो हमेशा देख सकते हैं। आपको क्या करना है वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के जो कारक होते हैं वो शुक्र ग्रह माने जाते हैं, शुक्र ग्रह को भौतिक जगत का एक विशेष ग्रह माना जाता है। जितने भी लग्जरी सुख हैं, जितने भी आपके डिजायर हैं, ये शुक्र पूर्ति करता है। इसलिए आप वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ राशि के जातकों का एक व्यक्तित्व जो होता है, जो उनके अंदर निखर करके आता है, उनका हमेशा से देखा जाता है कि उन लोगों के सपने ऊंचे होते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, मध्यम कदकाठी और अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो लंबा कद भी यहां पर देखने को मिल सकता है। शुक्र कुंडली के अंदर बहुत अच्छे बैठे हैं तो वृषभ राशि के जातक खास करके गौर वर्ण वाले होते हैं, बड़ा अट्रैक्शन उनके अंदर होता है, एक खास प्रकार का व्यक्तित्व उनका होता है,
एक बड़ी सभा को सम्मोहन करने वाले, सामूहिक अपनी ओर खींचने वाले, सम्मोहित करने की जो शक्ति होती है उनके अंदर होता है। खूबसूरती उनको बहुत पसंद है। नाना प्रकार के व्यंजनों में उनकी विशेष रुचि देखी जा सकती है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों का शौक, अच्छे घूमने फिरने का शौक, ये खासकर वृषभ राशि के हर जातक के अंदर लगभग पाया जाता है। मैं लगभग शब्द को इसलिए भी प्रयोग कर रहा हूं, हो सकता है कि किसी स्तुतियों में कुछ ग्रहों के प्रतिकूल होने पर उसके विशेष प्रभाव से उस जातक के अंदर ये लक्षण कुछ कम मात्रा में घटित हो, इसलिए मैंने लगभग शब्द को वहां पर प्रयोग किया। लेकिन अमूमन वृषभ राशि के जातकों की ये कुछ विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती हैं। वृषभ राशि के जातक जब भी निर्णय लेते हैं तो त्वरित निर्णय लेने में उनको वह सक्षम होता है। बिना किसी राग और द्वेष के काम करने में यकीन रखते हैं। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो हजारों की संख्या में कुछ अलग करने का और कुछ अलग दिखने का उनके अंदर एक जुनून होता है। इसलिए वृषभ राशि के जातक, यदि आप आज के कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपके अंदर भी यह लक्षण निश्चित रूप से होंगे। वृषभ राशि के जातकों को हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, मां भगवती जगदम्बा की उपासना आपके लिए अत्यंत फलदायी है। कई बार हम देखते हैं कि जब किसी की कुंडली एनालिसिस कर रहे होते हैं या किसी के लिए कोई विशेष मुहूर्त का हम लोग जब उनको निकाल के देते तो वो लोग कहते नहीं जी हमें तो शुक्रवार से परहेज है, हमारे तो बृहस्पतिवार खराब है। इस बात का ध्यान रखने की वृषभ राशि के जातक आपके लिए किसी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन जो मैं आज बता रहा हूं आपको विशेष ध्यान रखना है, शुक्रवार आपके लिए विशेष लक्की बार रहेगा। इसलिए इस बात को कभी भी आपको स्वीकार नहीं करना है कि अगर आपको कोई कहे कि शुक्रवार आपके लिए खराब है। शुक्रवार आपके लिए विशेष फलदायी, विशेष कामों के लिए आप प्रयोग में ले सकते हैं और 7 नंबर भी आपके लिए एक लकी नंबर साबित हो सकता है। हालांकि लकी नंबर का थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट अलग भी, हम उसको अलग तरीके से भी देखते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वृषभ राशि के लोग 7 नंबर को लकी मान सकते हैं। मां भगवती जगदम्बा की उपासना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और नियमित रूप से यदि आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, हमारे चैनल पर श्री सूक्तम का हमने पाठ आपके लिए बहुत इजी वे में कैसे आप पढ़ सकते हैं उसके लिए वीडियो बनाइए, आप उसको जाकर देख सकते हैं। संकल्प करके अगर आप नियमित श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो आपके लिए उपाय ही ये महा उपाय है जो आपको दिनों दिन उत्तरो उत्तर आपको आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाने में जो समर्थ हो पाएगा। आपके जितने लक्ष्य हैं, आपका जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करने में यह एक अकेला उपाय आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ध्यान रहे जब भी आप किसी शक्तिपीठ में, किसी दुर्गा के मंदिर में, किसी शक्ति के मंदिर में जाते हैं, वहां नारियल चुन्नी और कुछ श्रृंगार का सामान आपको हमेशा से चढ़ाना चाहिए और जहां भी छोटी छोटी कन्याएं देखें आपका भाव बने तो उनको कुछ ना कुछ देना, कुछ ना कुछ खिलाना, ये आपकी वृत्ति में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके हर सपने आपके कदमों में होंगे। तो ये था वृषभ राशि के लिए आज की उपाय नहीं महा उपाय की चर्चा। कार्यक्रम कैसे लगा आप इसको आगे जरूर शेयर करें और भी लोगों को उसका लाभ मिले। और मिलते हैं तमाम अगली चर्चाओं के साथ आपके साथ में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। राधे राधे।